एक ट्यूब होती है जो नाक के पिछले हिस्से को कान के बीच वाले हिस्से से जोड़ती है, जिसको हम लोग यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। तो बेसिकली हमारे जो कान का वेंटिलेशन होता है, मतलब कान में जो हवा जाती है, वो बेसिकली इसी ट्यूब से हमारे कान का वेंटिलेशन होता है। तो अगर ये ट्यूब में खराबी आएगी, खराबी इन द सेंस कि अगर ये ठीक से इसके मसल्स काम नहीं करते, तो वो क्या होता है, प्रॉपर हमारे कान का वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। तो जब वेंटिलेशन नहीं होता है तो लोगों को धीरे धीरे ये समस्या शुरू हो जाती है कि उनका कान हमेशा बैठे बैठे बंद हो जाता है, कान सुन्न हो जाता है, उनको कान से ठीक से सुनाई नहीं देता है। और कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कान बजने जैसा लगता है। तो ये सब सारी समस्या इस ट्यूब के कारण ही होती है। तो इस ट्यूब को कैसे ठीक किया जाए, तो हम लोग बेसिकली हम मरीज को बोलते हैं कि आप वाल्सल्वा किया कीजिए। वाल्सल्वा क्या होता है कि जैसे कि आप नाक को बंद कर लीजिए और मुंह को बंद करके, जैसे कि बलून को फ्लो ब्लो करते हैं ना ऐसे, इसको वाल्सल्वा कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, उससे क्या होता है ना कि हमारे कान में प्रेशर बनता है। ये हम लोग प्रेशर से उस ट्यूब के जो ओपनिंग पे प्रेशर डालते हैं और फिर हवा पीछे के डायरेक्शन में कान के बीच वाले हिस्से में भेजते हैं, जिसको वाल्सल्वा मैन्यूर कहते हैं। तो जब आपके कान का वेंटिलेशन अच्छा हो जाएगा तो ये बंद होने की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ड्रॉप्स कान के लिए नहीं। बहुत सारे मरीज ऐसा बोलते हैं, मैडम हमारी समस्या कान में है, आपने नाक का ड्रॉप दिया है। तो इसका कारण ये है कि हमारा वेंटिलेशन कान का नाक से हो रहा है, ना कि कान से। तो अगर हम नाक में ड्रॉप्स देंगे और नाक अगर मेरा खुला रहेगा, तो उस यूस्टेचियन ट्यूब के माध्यम से हमारे कान के बीच वाले हिस्से का वेंटिलेशन अच्छा होगा और धीरे धीरे आपके बंद होने की समस्या, सुन होने की समस्या या कम सुनाई होने की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाती है। तो आप स्टीम ले सकते हैं, नाक में कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं और वाल्सल्वा मैन्यूर वगैरह कर सकते हैं। जी, अगर किसी का कान बार बार ऐसे बंद हो रहा है, अगर दोनों कान से सुनने में दिक्कत हो रही है, तो ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है? अगर ये बार बार हो रहा है और अगर दोनों कान से हो रहा है और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिडिल ईयर में कभी कभी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये जब मिडिल ईयर में फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों तरफ से कान बंद होने लगता है, लोगों को कान सुन होने की समस्या हो जाती है और धीरे धीरे लोगों को लगता है कि उनकी ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो वैसे केस में ये किसी ENT डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। उसमें एक इन्वेस्टिगेशंस होता है जिसको हम लोग इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री कहते हैं। वो बेसिकली मिडिल ईयर के प्रेशर को मेज़र करता है और अगर आपके कान के बीच वाले हिस्से में किसी फ्लूइड का कलेक्शन है या कुछ है, तो वो उस टेस्ट के जरिए हम लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के ग्राफ आते हैं। तो जी, उससे हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि इनके कान के बीच वाले हिस्से में कुछ फ्लूइड के कलेक्शन होने की समस्या है कि कुछ वेंटिलेशन की समस्या है। तो उस टेस्ट के द्वारा हम लोग इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया कि लोगों को अक्सर कान में जब समस्या होती है तो वो एयर ब्लोइंग टेक्निक जो आप समझा रही थी उससे लोगों को आराम मिल सकता है, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई ऐसा रेड फ्लैग होता है जिसे होते ही जिसके होते ही लोगों को सीधे डॉक्टर से मिलना चाहिए? ये जैसे कि मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपकी ये समस्या जो है, बंद होने की समस्या, सुन होने की समस्या, अगर कुछ दिनों तक है, जैसे कि कुछ दिनों तक मैं ये बताना चाहूँ, जैसे बहुत सारे लोग जैसे फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो उनको ये समस्या होती है। तो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने उस समय पर ट्रैवल किया और फिर उनकी समस्या वो पहुँचे और 1-2 दिन में उनकी समस्या ख़त्म हो गई। तो ऐसे केस में आपको किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि कभी कभी लोगों को सर्दी हो जाता है, तो सर्दी के केस में ये कान होने बंद होने की समस्या हमेशा होती है, क्योंकि मैंने फिर यही बता रही हूँ, हमारा जो वेंटिलेशन कान के जो बीच वाले हिस्से का होता है वो बेसिकली नाक से होता है। अभी आपका नाक जाम है तो डेफिनेटली आपके कान के वेंटिलेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाए, सब वेंटिलेशन की समस्या शुरू हो जाएगी। तो कुछ दिन तक जब तक आपकी सर्दी है तो कान की बंद होने की समस्या है, तो आप घरेलू उपचार से और या नाक के ड्रॉप से, स्टीम से मैनेज कर रहे हैं, और अगर ये समस्या ठीक हो गई तो उस केस में भी आपको किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। बट ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी 1 हफ्ते हो गए, 10 दिन हो गए, सर्दी ठीक हो गया और सारी समस्या ठीक हुई, बट कान की समस्या आपकी चली जा रही है और कान बंद है, तब वैसे केस में आप ENT डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जी।